लो जी, बेसन का कड़ाह हो गया जी तैयार। तो जोड़ा मेरे अंग नहीं ठीक, वो अपनी फिर मम्मी नू कहे भी मैनू बना के दे बेसन का सत कड़ाह। श्री अकाल जी सारिआं नू। होर सुनाओ, ठीक ठाक हो जी? सारे जणिआं नू सत श्री अकाल मेरे वालों भी, पर मैं नहीं ठीक हैगा। असीं लगियां गुरप्रीत वास्ते बेसन वाला कड़ाह बनाउण, ते मैं सोचिआ कि तुहाडे नाल वी शेयर करिए, नाले तुहानूं दसदे आं ते आओ असीं बेसन का कड़ाह बनाईए। आओ जी। हाँ जी, आओ हुण अहीं कड़ाह बनाउण वास्ते तुहानूं समान दस दईए जिहड़ा जिहड़ा लिया मैं। ये सब तो पहला घ्यो लिया, तो खंड, बेसन, तो यह जड़ियाँ चीज़ा ये तुम होर भी यूज कर सकते हो, मैं तो यही दो लिया हुई, बाकी पानी ड्राई फ्रूट जिहड़ा तुसीं जिन्ना मर्जी पा सकते हो। तो हुण असीं लगे घ्यो पावांगे विच दे। घ्यो हैगा जी अज कल जम्मिया होया हुंदा, ठीक है, इस करके मैं पहला दो चमचे ही पाउनी हाँ। लिक्विड हो जाएगा तो फिर ज़्यादा हो जाता, इस करके तुम दो चमचे पाने, क्यों कौली असी बेसन की ली है, सानू लगेगा कि थोड़ा घट आ, अं दोबारा पा सकते हैं, जे ज़्यादा हो गया फिर अं कढ़ नहीं सकते। तो हो गया साडा मेल्ट, हुण अं पा दिंदे बेसन विच। बेसन नू अहीं थोड़ी स्लो जी अग दे उत्ते ही भुन लाँगे, ते नाल नाल हाथ जिहड़ा बिल्कुल चलाई जाए। हुण सानूं लगदा कि थोड़ा साडा घिओ ना घट आ, पा सकते हो जाना। बेसन का कड़ाह सेहत वास्ते बहुत वधिया, इस तरह जुकाम लगा ये खा सकते हो, ताही मेरे हाथ बन लगा। वैसे भी खा सकते हो, टेस्टी होंगे, जो जुकाम लगा हो रोटी ना खाओ, कला कड़ाह बना के खा लो। आ देखो हम ना थोड़ा भुजना शुरू हो गया ना, तो उन्हें घ्यो भी छड़ दिता, इस करके तुहानू उदों पता लग जाना कि जदों इन्हें घ्यो छड़ना शुरू कर देना उदों ने भुजना हो गया, उदों बेसन भी समझो कि हो गया, ठीक है। अजे ला ली थोड़ी गल, ये है कि अपना हाथ रेगुलर चलाते रहना, थले ना लगे टेस्ट खराब हो जाता फिर। जे आटे के कड़ाह का इन्ना नहीं होंगे जिन्ना कि बेसन के कड़ाह का थले लगे का टेस्ट जोड़ा खराब हो। बाकी इनू तुम दो तरीके भी बना सकते हो, दुध भी पा के बना सकते हो, मैं ज़्यादा हैवी नहीं किया, जिस तरह मैं पानी पाना वा ये इन्ना तुम दुध भी पा के बना सकते हो। जे तुम नॉर्मल चीज़ा वैसे ठीक हो तो खाना है ना, यदा हैवी हो जाना दुध पाऊंगे मैं, इस करके मैं पानी पा के ही बदली दूँ बेसन वाला कड़ाह पाऊँ। ओके, जो ठीक हो जाऊगा फिर मैं दुध वाला बना के खाऊँ। ओके मम्मा जी। ओके आ देख कितना कलर प्यारा लगन लग गया ना। हां भैया, मे बी तुम वीडियो दे विच ना पता लगे पर नहीं लगेगा, बिल्कुल स्लो आग ते पकाओ, उन्हें तो कच्चा पन जरा सारा ही निकल गया, सारा की ओ नरम कितना हो गया, देखा कितना टाइट से जब मैं शुरू किया था। हां स्लो स्लो पकाया तो हम घ्यो छड़ दे, हुण अहीं पावांगे विच चीनी। जिहड़ियां गट्टियां घट बजदियां होंदियां अजे भी हिलाओ नहीं, ड्राई फ्रूट भी तुम नीचे पा सकते। अच्छा, ड्राई फ्रूट भी ना। हाँ, ना तो थोड़ा ही नरम हो जाएगा। सही है। ये कलर ही सही है। पानी एकदम सारा नहीं पाना, थोड़ा थोड़ा करके पाओ, नाल नाल लाई जाओ, लाई जाओ।
हूँ इन्हें जो तुम ठंडा करके खाओगे उन्होंने थोड़ा एक नरम रख सकते हैं। जे अं गर्म गर्म खावे हो सकता कई बार बच्चे नहीं इधर उधर गए होंगे तो ठंडा हो जाता वा तो थोड़ा इन लीकुड कर सकते हो जो गर्म कितिया फिर इन्हें लीकुड हो जाएगा तो टाइट नहीं होंगे ठंडे होया इन्हें टाइट हो जाना। लो जी बेसन का कड़ाह हो गया जी तैयार। जेड़ा मेरे अंग नहीं ठीक वो अपनी फिर मम्मी नूं कहे भी मैनूं बना के दे बेसन का कड़ाह तो मैं हुण खावां तो शायद ठीक हो जा। तो बाकी तुसीं दस्सिओ वीडियो तुहानूं किवें दी लगी किवें दा लगा बेसन दा कड़ा मम्मी ने बनाया टेस्टी जे मेरी रेसिपी टेस्टी आ बहुत अपनी मम्मी नूं कहो बना के खवाओ। ते लो जी मैं ते हुण मम्मी करदे आ ट्राई ते तुसीं सारे जणे बनाओ ते वीडियो दस्सिओ किवें दी लगी कमेंट कर दिओ लाइक कर दिओ शेयर कर दिओ। लो जी लाइट भी साड़ी गई ओके जी।